प्रिय अभ्यर्थियों, इस वीडियो में हिंदी साहित्य के यूपीएससी द्वारा निर्धारित सिलेबस पर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, जिसमें मैं सिलेबस के विभिन्न पहलुओं से आप लोगों को संक्षेप में परिचित कराऊंगा, जिससे कि हिंदी साहित्य के सिलेबस या पाठ्यक्रम को आप बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो अब जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यूपीएससी में दो प्रश्न पत्र होते हैं, वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र एक और प्रश्न पत्र दो। प्रश्न पत्र एक में दो खंड होता है, ठीक है, खंड का और खंड खा, और प्रश्न पत्र दो में भी दो खंड होता है, खंड का और खंड खा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न पत्र एक में खंड का में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि इसी बहाने आपके पास जो है एक अध्यापक के द्वारा बताया गया सिलेबस होगा, ठीक है ना, वो यूपीएससी के सिलेबस को आपके लिए डिफाइन करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आएगा, ये चीज़ है। तो खंड का को हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास कहा जाता है। इसके जितने भी खंड हैं कुल मिलाकर के यूपीएससी ने 11 खंड निर्धारित किए हैं। पहला खंड है अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुपयुक्त स्वरूप। क्या क्या है? अभ्रंश है, अवहट्ट है और प्रारंभिक हिंदी तथा उसका व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। तो यानी आप देख सकते हैं ये क्या है, भाषा के विकास की तीन अवस्थाएं हैं। बहुत आसान है, भाषा यानी संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से प्रारंभिक हिंदी। तो यानी कि इसमें क्या पढ़ना है, इनकी व्याकरणिक संरचना तथा इसके साथ साथ कुछ अन्य पक्ष देख सकते हैं आप। अगर इसको पढ़ाना हो तो कितनी आसानी के साथ पढ़ाया जा सकता है कि एक तरफ लिख दिया जाए अभ्रंश, एक तरफ लिख दिया जाए अवहट्ट और एक तरफ लिख दिया जाए प्रारंभिक हिंदी, और उसके बाद तीनों की विशेषताओं के जितने भी पॉइंट वो लिख दिया जाए, और एक साथ ही कि अभ्रंश में स्वर कैसे होते हैं, व्यंजन कैसे होते हैं, विभिन्न ध्वनियाँ कैसे होती हैं, अवहट्ट में स्वर कैसे होते हैं, व्यंजन कैसे होते हैं, विभिन्न ध्वनियाँ कैसे होती हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रारंभिक हिंदी में भी सेम यही कंडीशन है, यानी कि वो लगेगा कि ढेर सारी चीज़ें पढ़नी है लेकिन वो एक ही फार्मूले, एक ही पैटर्न पर सेट होते हैं। इसीलिए हिंदी भाषा का जो खंड है इसे कहा जाता है कि यह मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा नंबर आपको दे सकता है, चूँकि इसमें कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि अज्यूम नहीं कर सकते, जो बना बनाया व्याकरण का ढांचा उसी के अंतर्गत आपको लिखना होता है। तो जैसे मैथ में क्या होता है, सूत्रों पर लिखना होता है, वैसे इसको भी आप मान लीजिए कि भाषा के जो आधार या आधार सूत्र होते हैं उनके आधार पर लिखना है तो नंबर तो कटना ही नहीं। तो पहली चीज़ तो ये बहुत आसान। दूसरा क्या, मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। तो मध्यकाल की दो भाषाएं ब्रज और अवधी, और इनका साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो पढ़ना है, हम कैसे पढ़ेंगे कि एक तरफ ब्रज, एक तरफ अवधी, और दोनों के विकास को हम बेहतर ढंग से समझेंगे एक ही बार में, यह भी हमारा खत्म हो जाएगा। तीसरा क्या है, सिद्धियों नाथ साहित्य, खुसरो संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्कनी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप, यानी खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ और उसमें सिद्धियों नाथ साहित्य, खुसरो संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्कनी हिंदी में खड़ी बोली का। अब आप देख लीजिए कि ये जो सिद्धियों नाथ साहित्य है, अभी खंड का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र एक का जो होगा तो सिद्धियों नाथ साहित्य हो, ये सब हम आदिकाल में पढ़ेंगे, खुसरो को भी आदिकाल में पढ़ेंगे, संत साहित्य भी आदिकाल में भी, भक्तिकाल में भी, और रहीम को भी पढ़ेंगे। कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये रिपीट होंगे, जो खंड का में है वही चीज़ें खंड खा में भी आएंगी, यानी पढ़ना एक चीज़ है, यूटिलाइज उसको दो दो जगह कर रहा, यानी पढ़ना एक चीज़ है और उसे यूटिलाइज दोनों जगह करना है। जैसे इसके ऊपर अभी हम लोगों ने बात किया था कि मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। अब आप आसानी के साथ देखें कि ब्रज का मतलब कि सूरदास को आधार माना जाएगा, सूर पूर्व युग, सूरदास और सूर के पश्चात का युग, तो यानी कि ब्रज में सूरदास, और उधर जब आप भक्तिकाल पढ़ेंगे तो सूरदास पढ़ना। इसी प्रकार से अवधि, तो अवधि के आधार कौन है, तुलसीदास। अब तुलसीदास को आपको यहाँ भी देखना है और उसके पश्चात उधर आपके पास तुलसीदास भक्तिकाल में आपको पढ़ना ही। प्रश्न पत्र दो में भी जो काव्य खंड है उसमें भी आपको सूरदास भी पढ़ना है भ्रमर गीत सार के साथ, और आपको तुलसी भी पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब केवल एक प्रस्तुतिकरण बदलेगा, थीम तो सबकी वही रहनी है। इसके पश्चात आप देखें कि
सिलेबस विश्लेषण में आगे हम देखते हैं 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास। बहुत आसान सीधा सपाट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। कहीं से भी इसमें किसी प्रकार की कोई भाषाई क्लिष्टता नहीं, सीधे सीधे आपको पढ़ना है। पांचवा हमारा है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। अब देखिए ऊपर क्या है, नागरी लिपि का विकास, और यहाँ है उसी का मानकीकरण कि वो कैसे एक मानक भाषा, एक स्टैंडर्ड भाषा। ये भी एकदम से सिद्धांतों पर आधारित है, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। छठा हमारा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। अब स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, यानी कि स्वाधीनता आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी विकास को किस किस प्रकार से लिया है, वो चीज़ यहाँ पढ़ना, ये और भी आसान है। इसके पश्चात देखें अगला, सातवां भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। तो भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास देख सकते हैं, सीधा सपाट टॉपिक है। आठवां क्या, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, कि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की दृष्टि से हिंदी भाषा कैसे मजबूत हुई। नौवां हमारा हिंदी की प्रमुख बोली और उनका परस्पर संबंध है, ये अत्यंत आसान ही टॉपिक है। दसवां हमारा नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप, ये भी बहुत आसान है। और हमारा आखिरी टॉपिक है मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, यानी कि जो व्याकरण आज हम पढ़ते हैं हिंदी में उसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न पत्र एक का खंड का है वो क्या एकदम सीधा सपाट है, सीधे सीधे प्रश्न पूछेंगे। अगर घुमाते हैं तब भी आपको प्रश्नों की घुमावट से परेशान नहीं होना, लिखना वही सामान्य बातें हैं जो अभ्रंश है, अवहट है, ब्रज अवधि, यानी कि जो इनका मूल कंटेंट हमें लिखना वही है। वो जब प्रश्न घुमाएगा तो प्रश्न घुमाने का मतलब ये नहीं होता कि जो कबीर ने कहा, जो सूर ने कहा, जो सिद्ध एवं नाथ साहित्य, वो बदल जाएगा, वो वही रहेगा। बस उनकी भाषा के हिसाब से हम क्या करेंगे, इनके कंटेंट को शट कर देंगे। तो खंड का ये है, आप देख सकते हैं प्रिय अभ्यर्थियों। इसके पश्चात हमारा खंड खा है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब ये देखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ से स्टार्ट होगा कि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें हम आप देखेंगे कि जो आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इसके बाद आधुनिक काल, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये जो पूरा हमको पढ़ना है ये क्या है। और इसके बाद ये तो हो गया काव्य पक्ष, और फिर इसके बाद जो है हमारा जो गद्य पक्ष, यानी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध। तो ये जो हमको पढ़ना है ये क्या है, ये प्रश्न पत्र दो दोनों में, यानी जो काव्य पक्ष हमको पढ़ना है हिंदी साहित्य, प्रश्न पत्र एक खंड खा में जो हमें पढ़ना हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसका जो काव्य खंड है वो जा करके टकराएगा सीधे सीधे प्रश्न पत्र दो के खंड एक काव्य खंड से। और जो इसमें हमें गद्य वाला पाठ पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र एक खंड खा में, वह जा करके सीधे टकराएगा प्रश्न पत्र दो के खंड खा गद्य वाले पूरे परंपरा में। तो आप देख सकते हैं सिलेबस कितना छोटा हो गया। कहने को तो लोग कहते हैं हिंदी साहित्य का सिलेबस बहुत बड़ा, इसका सिलेबस, कोई सिलेबस नहीं बड़ा। अगर मिंटोर चालांक है तो हर चीज को मिक्स करके आपको सिखा ले जाएगा। कैसे कर लेगा वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। जैसे देखते हैं सबसे पहले कि क्या हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, यानी कि पहला तो भाई हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और उसकी इंपॉर्टेंस क्या। तो भाई हिंदी साहित्य क्या, अब कोई आपसे सिंपल सा पूछे कि साहित्य की प्रासंगिकता क्या, तो आसानी के साथ भाई साहित्य क्या, समाज का दर्पण होता है। अब अपने आप को आप फिट कर दीजिए दर्पण के सामने, यानी कि जिस प्रकार से आप दर्पण में अपनी छवि देखते हैं, साहित्य भी उसी प्रकार से जो कुछ भी समाज में घटित होता है उसको क्या करता है, प्रकट कर देता है। और यही उसका इंपॉर्टेंस होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि समाज, राजनीति, अर्थ, धर्म, संस्कृतियां ये मजबूत होती हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, तो ये परंपरा कहाँ से आरंभ हुई, ढेर सारा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जैसे रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और इनके पहले की परंपरा, इनके बाद की परंपरा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की। एकदम से फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपने सिर्फ रटना है, नाम लेना है इतिहास लेखकों का, और फिर उनके इतिहास लेखन का विषय क्या था, कहाँ तक वो सत्य था, उसमें क्या क्या सत्य नहीं था, उनकी प्रासंगिकता क्या थी, इसी अनुक्रम में जितने भी हैं सबको लिखते हुए चले जाना। दूसरा खंड हमारा खाका, दूसरा हमारा क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित चार कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां, यानी किस किस प्रकार के, आदिकाल का, भक्तिकाल का, रीतिकाल का और आधुनिक काल का, अभी मैंने बताया। अब आप देखिए आदिकाल में सिद्धनाथ और राशो साहित्य, अब भाषा खंड में भी आपने पढ़ा था ना सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, तो इसका मतलब है
कि भाषा के विकास में सिद्ध एवं नाथ साहित्य का योगदान पूछा जाएगा और इधर आदिकाल में सिद्ध और नाथ साहित्य है। तो अब आप मुझे बताइए कि दोनों जगह सिद्ध और नाथ साहित्य है तो एक ही होगा ना, बस अंतर इतना है कि उधर हमें कुछ भाषिक विकास की अवस्था दिखा देनी है कि जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी जो वर्तमान में है यह सिद्ध एवं नाथ साहित्य में किस रूप में थे। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र एक के भाषा खंड से और प्रश्न पत्र दो के साहित्य खंड में भी सीधा सीधा संबंध दिखाई दे रहा है। फिर देखिए प्रमुख कवि चंद, बरदाई, खुसरो, हेमचंद्र और विद्यापति। खुसरो आपने ऊपर भी देखा भाषा खंड में। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि जो पूरा हिंदी साहित्य अगर बहुत अच्छे से समग्र रूप से आपको समझाया जाए तो आप ये मान के चलिए कि सिलेबस सिकुड़ के बहुत छोटा हो जाएगा। मजा हुआ आदमी है तो आपको कभी वो रुकने नहीं देगा, हिंदी साहित्य में मैक्सिमम मार्क्स आपके समक्ष वो रखवा देगा परीक्षक के द्वारा। दूसरा हम देखते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। अब देखिए प्रमुख कवि कबीर जैसी सूर और तुलसी। अब आप देखिए जो भक्ति काल है वो प्रश्न पत्र दो खंड खा में पूरा का पूरा लगा हुआ है, यानी वहां कबीर पढ़ना है, प्रश्न पत्र दो खंड खा जैसी पढ़ना है, सूर भी पढ़ना है और तुलसी भी पढ़ना है। तब आप मुझे बताएं कबीर जैसी सूर और तुलसी किसी भी प्रश्न पत्र में पढ़ेंगे तो उनकी संवेदना के जो मुख्य पक्ष है, शिल्प के जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो तो एक ही होंगे और थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हमें यहां भी लिखना है और वहां भी लिखना है। तो आप देखिए खंड खा भक्तिकाल तो प्रश्न पत्र दो काव्य खंड, यही चार कवि वहां पर परंपरागत रूप से लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप कितना आसान। रीतिकाल अब आ जाते हैं, भक्तिकाल के बाद का अगला चरण रीतिकाल। तो अब इसमें क्या तीन धाराओं के रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, यानी तीन प्रकार की काव्य धाराएं रीतिकाल में रही हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये रीतिकाल क्या है और आदिकाल भक्तिकाल ये सब विस्तार से हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम लोग सिलेबस पर बातचीत कर रहे हैं। अब इसमें भी देख सकते हैं प्रमुख कवि कौन, केशव, बिहारी, पद्माकर और घनानंद। तो केशव, पद्माकर और घनानंद को तो आपको रीतिकाल में प्रश्न पत्र एक में हिंदी साहित्य के इसी पाठ के अंतर्गत पढ़ना है, लेकिन बिहारी देख लीजिए, बिहारी यहाँ भी हैं, बिहारी प्रश्न पत्र दो खंड का में भी हैं, किसके साथ, कबीर जैसी सूर तुलसी और बिहारी। अब आप देख सकते हैं कि पांचों जो परंपरागत कवि हैं पांचों कहाँ हैं, प्रश्न पत्र एक काव्य खंड में, और ये सिर्फ ये इंडिपेंडेंट प्रश्न भी आएंगे पांचों और व्याख्या में भी आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, कितना आसान है, आप आसानी के साथ देख सकते हैं हिंदी साहित्य को मिला करके अगर पढ़ा जाए। इसी प्रकार अब हम आधुनिक काल को देखें, आधुनिक काल में नव जागरण, जैसे आप इतिहास वगैरह में पढ़ते हैं पुनर्जागरण, वैसे ही आधुनिक काल में भी उसी कालखंड में नव जागरण आया, गद्य का विकास हुआ, भारतेंदु मंडल, तो ये सब हमारा इसी का पार्ट है। अब इसके प्रमुख लेखक भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। अब देखिए गद्य आ गया, अब हमारा जो सेक्शन बी है प्रश्न पत्र दो का खंड खा वो क्या है, गद्य साहित्य का इतिहास है। तब देखिए भारतेंदु यहाँ है, अब भारतेंदु के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि नवजागरण के अग्रदूत रहे, गद्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इधर भारतेंदु की पूरी जो क्या है उनकी जो साहित्यिक चेतना है, जिस प्रकार से वो साहित्य को लेते हैं, जो उनका साहित्य के प्रति उद्देश्य, अगर वो आपको अच्छे से समझ है तो प्रश्न पत्र दो में जब आप जाएंगे तो क्या मिलने वाला, इन्हीं का नाटक मिलने वाला, भारत दुर्दशा, तो देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद हमारा अगला जो पाठ है आधुनिक काल के बाद, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, अब आ जाइए, यानी आधुनिक हिंदी कविता में छायावाद। अब छायावाद इधर भी है और छायावाद की ही रचना, छायावाद के काल के ही रचनाकार कौन कौन से, कामायनी जयशंकर प्रसाद वहां पर लगा हुआ काव्य खंड में, और निराला की राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता आप देख सकते हैं कहाँ लगा हुआ, प्रश्न पत्र दो काव्य खंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छायावाद भी उधर आ रहा है, प्रगतिवाद, ठीक है, इसके पश्चात प्रयोगवाद, प्रयोगवाद में कौन आ जाता है, तार सप्तक से इसका आरंभ है, अज्ञेय की असाध्य बीड़ा आ गई। अब अज्ञेय की असाध्य बीड़ा ये भी आपके टेक्स्ट में, फिर इसके बाद नई कविता, नव गीत, समकालीन कविता, जनवादी कविता, आप देख सकते हैं कि यही चीज हमें यहाँ पढ़ना है, यही प्रश्न पत्र दो के काव्यखंड में भी हमें पढ़ना है। मैथिली शरणगुप्त प्रमुख कवियों में पढ़ना है, इधर मैथिली शरणगुप्त पढ़ना है, उधर प्रश्न पत्र एक काव्यखंड में भारत भारती पढ़ना, इन्हीं की रचना, इधर जयशंकर प्रसाद पढ़ना, उधर जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़ना, इधर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पढ़ना, उधर क्या, उन्हीं की रचना राम की शक्ति पूजा और
क्या पढ़ना है, कुकुरमुत्ता, इधर महादेवी वर्मा इसके बाद हमें पढ़ना है, फिर इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर पढ़ना है, फिर इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर पढ़ना है, फिर इसके बाद अज्ञेय पढ़ना है, गजानन माधव मुक्तिबोध और उधर उनका ब्रह्म राक्षस नागार्जुन पढ़ना, अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा। अब आप देखें कि जो यहाँ पढ़ना है यानी प्रश्न पत्र एक के खंड का हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भी कविता की प्रवृत्तियां पढ़नी उसी कविता की प्रवृत्ति के प्रमुख रचनाकार प्रश्न पत्र दो काव्य खंड में खंड का में मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे ये मिक्सअप है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। फिर इसके पश्चात जो हमारा तीसरा प्रश्न पत्र एक खंड खा का है वो क्या है, कथा साहित्य। कथा साहित्य में पहला क्या, उपन्यास और यथार्थवाद। तो आपको अच्छे से पता है कि उपन्यास और यथार्थवाद को आपको बताना है। और दूसरा क्या, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास। और प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म शाहनी। अब आप देखिए कि प्रश्न पत्र दो खंड खा में प्रेमचंद उपन्यासकार के रूप में है, किस प्रकार के उपन्यासकार, तो गोदान आपके सामने रखा हुआ। जैनेन्द्र जी वहाँ नहीं है लेकिन यशपाल जी हैं दिव्या उपन्यास के माध्यम से, रेणु जी हैं मैला आंचल उपन्यास के माध्यम से। अब आप देख सकते हैं कि तीन उपन्यास के प्रमुख पाठ यहाँ भी हैं और प्रश्न पत्र दो में भी। तो हमें एक ही चीज़ पढ़नी है, उसी टाइम हम जब पढ़ेंगे दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे कि अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या होगा कि हम प्रश्न पत्र एक ही पढ़ते रहेंगे और हमारा प्रश्न पत्र दो भी तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखिए हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। तो उधर भी आप देखिए कि हिंदी कहानी संपादक अमृत राय और उसके बाद जो है एक समानांतर दुनिया, ठीक सी है कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह नज्ञे, मोहन राकेश और कृष्णा शोभती। तो ये जो यहाँ नाम है यही इनकी कहानियाँ उन किताबों में संग्रहित हैं। तो आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि कहानी इधर भी है और कहानी प्रश्न पत्र दो में खंड खा में भी। अब आते हैं अगला, नाटक और रंगमंच। अब आप देखिए हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। प्रमुख नाटककार भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश और उसके बाद क्या, हिंदी रंगमंच का विकास। अब प्रश्न पत्र दो में आप नाटक खंड में जाइए तो भारतेंदु का नाटक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद का क्या लगा हुआ, स्कंदगुप्त। मोहन राकेश का क्या लगा हुआ, आषाढ़ का एक दिन। अब आप देखें कि जो नाटककार यहाँ पढ़ने हैं उन्हीं का नाटक आगे लगा हुआ, तो इसका मतलब अगर हम नाटककार की पूरी जो संवेदना और जो उसका प्रस्तुत करने का नाटकों का ढंग है वो किस उद्देश्य से उसको प्रस्तुत करा, अगर ये हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो उन नाटकों को पढ़ करके उस पर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो हम आसानी के साथ लिख पाएंगे, जो है आप देख सकते हैं। पांचवा पार्ट इसका है आलोचना। अब इधर भी आलोचना उधर भी, प्रश्न पत्र दो खंड खा में भी। तो आलोचना में क्या, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। अब इसमें कौन कौन से भाई, सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नगेंद्र। आप देखेंगे ये उधर भी हैं प्रश्न पत्र दो खंड खा में भी। इसके अलावा छठा हमारा जो है हिंदी साहित्य के इतिहास प्रश्न पत्र एक खंड खा का आखिरी क्या, हिंदी गद्य की अन्य विधाएं हैं, ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, कहानी उपन्यास, नाटक। तो इनके बारे में भी संक्षेप में आपको जानना होता है ये चीज़। तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस देखने के बाद क्या लग रहा है हमें कि बहुत आसान है, कहीं डीप ले करके आपको जा ही नहीं रहा, और सिंपल सा एक ही चीज़ है कि जो जो यूपीएससी ने यूनिट दी हुई है उस यूनिट को आप बेहतर ढंग से कोई आपको खोल दे, और खोलने में बहुत विस्तार ना ले कि कई कापियाँ कंप्लीट हो जाएँ, बस थोड़ा थोड़ा कि भाई यात्रा वृत्तांत ये होता है, ये लिखा गया, पाँच छः अच्छे अच्छे यात्रा वृत्तांत और उसके लेखक और उनकी मुख्य विशेषताएं, खत्म। यानी कि संक्षेप में लिखाना और खूब समझाना और उससे भी ज़्यादा रटाना, जिससे कि आप हूबहू मुख्य परीक्षा में लिख करके और अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। मेरा अपना अनुमान है कि प्रश्न पत्र एक में जो है आप 250 में से आप अगर कोशिश करें तो आप ये मान के चलें कि हम 170 के अराउंड नंबर निकाल सकते हैं। प्रश्न पत्र एक आप ये मान के चलिए सिर्फ तथ्यात्मक होने के कारण यहाँ से नंबर नहीं करते, अगर आपकी रटने की क्षमता अच्छी होगी तो आपको यहाँ से कोई भी 170 से कम नंबर लाने से रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद।